नमस्कार, मैं सुरेश जैन, चांसलर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले दैनिक जागरण का कि उन्होंने ये तय किया कि पूरे भारत में इस अभियान को चलाया जाए कि जो लोग अब हमें छोड़ के चले गए हैं वो, और जो लोग अभी भी कोरोना में घिरे हुए हैं वो, और उनके सब परिवार वाले और घर वाले जिन्होंने इस दुख को बर्दाश्त किया है और जो अभी भी कर रहे हैं, जिनके घर वाले अभी भी बीमार हैं, उन सबको हम कुछ ना कुछ उनके बारे में मौन रखें, उनको जो चले गए उनको श्रद्धांजलि दें, और जो हमारे बीच अभी भी हैं उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो और वो ठीक होकर अपने अपने घर आए। मैं इसमें तीर्थंकर महावीर मेडिकल हॉस्पिटल की तरफ से, मुझे ये बहुत नज़दीकी से हमने ये परेशानी और दुख झेले हैं कि कैसे लोग अच्छे खासे चलते हुए आते थे और कैसे कुछ दिन के बाद वो हमारे बीच नहीं रहते थे। ये बहुत ही खराब और गंभीर बीमारी है जो इस बार ये कोरोना के रूप में दोबारा जो आई है, इसमें जो जिस तरह से लोगों की मृत्यु हुई है, मैं अपनी ओर से जितने भी लोग इसमें सफ़र किए हैं, जो आज भी जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो 1.5 साल से इस काम में लगे हैं और आगे भी पता नहीं कितने दिन और लगा रहेगा, लेकिन ईश्वर उन्हें शक्ति दे कि वो इसी तरह से आगे काम भी करते रहें, और पूरा सभी लोग उनके लिए मौन भी रखें, उनके लिए दुआएं भी करें जो आज हमारे बीच नहीं है। दैनिक जागरण परिवार ने ये बड़ा एक मुद्दा उठाया है, उसके लिए उन पूरे, वो हमेशा ही उठाते हैं इस तरह के मुद्दे जो सामाजिक और सोशल होते हैं, उसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके संवेदना भी प्रकट करें, और जो अभी ठीक नहीं हुए हैं उनके लिए भी दुआ करें अपने अपने देव से कि वो जल्दी ठीक हों और अपने अपने घरों को वापस आए। नमस्कार।